ॐ श्री विद्याय नमः श्री भगवती देव्यै नमः। मित्रों, आज के इस वीडियो में श्राद्ध पक्ष को लेकर के हमारा टॉपिक है कि मृत्यु तिथि और पितृ पक्ष में श्राद्ध की आवश्यकता एवं श्राद्ध कब करना चाहिए, वर्ष में कितनी बार करना चाहिए और किस दिन करना चाहिए। तो कुछ लोग श्राद्ध को व्यर्थ समझते हैं और व्यर्थ समझ करके श्राद्ध को नहीं करते, क्योंकि उनको श्राद्ध के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं है, श्राद्ध की महिमा के बारे में उनको नहीं पता। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, मृत्यु तिथि पर श्राद्ध अवश्य ही करना चाहिए। दूसरा, कुछ ऐसे लोग हैं जो श्राद्ध करते तो हैं परंतु एक रीति रिवाज और रस्म के हिसाब से कि बस उन्होंने भोजन निकाला, भोजन निकाल करके या तो गाय गौ माता को खिला दिया, चेटी इत्यादि के लिए दे दिया, या ज़्यादा से ज़्यादा ब्राह्मण के घर दिया है, एक जैसे उनके रीति रिवाज हो रहे हैं उसी प्रकार से उन्होंने श्राद्ध को भी बना दिया। परंतु यह भी गलत है, श्राद्ध एक सनातन धर्म की प्रतिष्ठा है, सनातन धर्म के शास्त्रोक्त विधि के अनुसार ही, शास्त्र जैसा कहता है उसके अनुसार ही श्रद्धापूर्वक श्राद्ध करना चाहिए और जो उसका विधि विधान है उसके अनुसार ही श्राद्ध को पूर्ण करना चाहिए, तभी श्राद्ध का पूर्ण फल प्राप्त होता है। और इसी प्रकार से जो लोग श्रद्धापूर्वक श्राद्ध को करते हैं उससे उनके पितृगण भी तृप्त होते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं और श्राद्ध करने वाले को भी बहुत पुण्य प्राप्त होता है। तीसरी बात आती है कि श्राद्ध वर्ष में कितनी बार करना चाहिए। देखिए, वैसे तो श्राद्ध के करने के लिए बहुत से दिन बताए गए हैं जिस दिन हम श्राद्ध कर सकते हैं, अमावस्या आदि तिथियों पर। हर महीने में जो कृष्ण पक्ष पड़ता है उसमें भी श्राद्ध किया जा सकता है, परंतु वर्ष में दो बार मुख्य रूप से श्राद्ध करने का विधान बताया गया है और उनमें से पहला है वार्षिक श्राद्ध, दूसरा है पार्वण श्राद्ध। वार्षिक श्राद्ध वह श्राद्ध होता है जो मरण व्यक्ति की मृत्यु तिथि के हिसाब से जिस वर्ष जिस महीने में प्राणी ने अपना देह त्यागा हो, अपने प्राण त्यागे हो, उसी महीने में वर्ष में वह महीना पड़े और वही तिथि पड़े तो साल में उसी महीने में उसी तिथि पर उसका श्राद्ध किया जाता है, इसको वार्षिक श्राद्ध बोलते हैं। इसके अलावा जो आश्विन मास में, इसको हम पितृपक्ष बोलते हैं, जिस तिथि में व्यक्ति मरा है उसी तिथि में श्राद्ध किया जाए तो इसको पार्वण श्राद्ध बोलते हैं, जो अब आश्विन मास में चल रहा है। तो एक प्रश्न और आता है कि मृत्यु तिथि में श्राद्ध करना चाहिए या दाह संस्कार की तिथि में श्राद्ध करना चाहिए। इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं और पूछते हैं कि हमारे जो परिजन थे वे इस तिथि में मरे थे परंतु उनका जो दाह संस्कार हुआ वह उससे अगली तिथि में हुआ, मुख्य रूप से उस दिन ना होकर के अगले दिन, कुछ परिजन बाहर होते हैं आने में उसमें समय लगता है तो एक दिन बाद में दाह संस्कार करते हैं। तो उनके मन में जिज्ञासा प्रश्न रहता है कि जिस दिन उन्होंने अपने प्राण छोड़े उस दिन श्राद्ध करें, उस दिन की तिथि का श्राद्ध करें, या जिस दिन उनको चिताग्नि दी गई उस दिन का श्राद्ध करना चाहिए। तो देखिए, सामान्यतः जो गृहस्थ मनुष्य अग्निहोत्राओं को छोड़ करके, वो एक अलग टॉपिक है, पर हम लोग ज़्यादातर जो हैं मृत्यु के उपरांत ही जब शरीर से प्राण अलग होते हैं और उस दिन जो तिथि हो उसके अनुसार ही श्राद्ध किया जाता है, उसी तिथि में श्राद्ध होता है, न कि चिता अग्नि वाले दिन का श्राद्ध किया जाता है। तो आशा करता हूँ वीडियो में आपको जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। ओम श्री विद्याय नमः।